हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम पुर के ट्रिक एंड कंसेप्ट एंड ट्रिक वाले चैनल पे। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने कौन सा टॉपिक उठाया है, मैंने फंक्शन कीज़ उठाई हैं जिसकी आप क्या ट्रिक क्या होती है, देखो समझना होता है। अगर आपको चीज़ समझ में आ गई तो आपको वो हमेशा के लिए याद रह जाएगी। बट हाँ, हम पढ़ेंगे इस तरीके से कि आपको वो ट्रिक की तरह ही लगनी चाहिए, है ना। बट समझ में आनी चाहिए, मेरा मेन मोटिव ये है। तो हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिक्स पढ़ेंगे फंक्शन कीज़ की। अब फंक्शन कीज़ सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए क्या होती है, कि ये एक स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि एक क्या करती है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। क्या करती है, स्पेसिफिक फंक्शंस को जो परफॉर्म कर दे वो क्या हो जाती है, हमारी फंक्शन कीज। और ये क्या करती है, हर एक की हम बोल सकते हैं की या फिर कुंजी, है ना, या फिर हम कुंजी बोल सकते हैं। क्या करती है, अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है ना, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। ओके, फंक्शन परफॉर्म यहाँ मैं लिख रही हूँ, ठीक है, वहाँ जगह नहीं है। क्या करती है, परफॉर्म करती है, राइट। इतना सा हमें जानना ज़रूरी है। अगर ये मैं बात करूँ, ये होती कहाँ पे है, अगर मैं बात करूँ कि हमारी फंक्शन कीज़ लोकेट कहाँ पे होती है, लोकेशन, अगर मैं उसकी लोकेशन के बारे में बात करूँ तो हमारी लोकेशन कहाँ होती है। सबसे बड़ी बात हमें पता होना चाहिए कि कीबोर्ड के अंदर ये होती है, कहाँ होती है, कीबोर्ड के अंदर ही होती है ना, और कहीं तो नहीं होती ना, कीबोर्ड के अंदर होती है। अच्छा, कीबोर्ड के अंदर तो होती है, बट कहाँ पे होती है, अगर कीबोर्ड में बना दूँ, है ना, कीबोर्ड में बना दूँ। इसके साथ एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लूँगी मैं, ठीक है। तो कहाँ होती है, टॉप पे होती है, क्या होती है, टॉप पे होती है। यहाँ आपका एक एस्केप का बटन होता है, ठीक है, उसके नीचे फिर क्या होता है, उसके नीचे आपकी फंक्शन कीज़ वगैरह होती है। क्या होती है, फंक्शन कीज़ वगैरह होती है। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर होती है, सबसे ऊपर वाली जगह पे आपकी क्या होती है, फंक्शन कीज़ होती है। क्या होती है, सबसे ऊपर वाली जगह पे अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ कि यहाँ पे आपकी क्या होती है, फंक्शन कीज़ होती है। अगर मैं बात करूँ ये नंबर्स में कितनी होती हैं, अगर मैं बात करूँ ये नंबर में कितनी होती हैं, तो नंबर में टोटल 12 होती हैं। कितनी होती हैं, 12 ये होती हैं। ओके, अच्छा, कीबोर्ड की अगर हम बात ही कर रहे हैं, फंक्शन कीज़ का हमें पता चल गया, तो एक क्वेश्चन इसके साथ कि नंबर ऑफ कीज़ होती कितनी है, टोटल कीज़ हमारी होती कितनी कीबोर्ड में। अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड की तो 104 कीज़ होती हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल कीबोर्ड की, जो आपको मार्केट में मिल जाता है, वो 104 से 120 कीज़ इसके अंदर होती हैं। ये टोटल कीज़ होती हैं। क्या होती हैं, ये टोटल कीज़ आपकी होती हैं। अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये सारे की सारी कीज़ के बारे में मैंने बात कर दी। अगर मैं नम लॉक, है ना, नम लॉक वाली साइड पे आ जाऊं, मतलब राइट कॉर्नर पे आ जाऊं, इधर की साइड पे आ जाऊं, तो इधर कितनी कीज़ होती हैं, हमारी टोटल कीज़ पूछ रही हूं, तो टोटल कीज़ होती है हमारी 17। कितनी होती है, 17 की हमारी टोटल होती है। गिन लीजिएगा, 0 to 9 मत बोलिएगा कि 0 to 9 होती है। बाकी सारी कीज़ के बारे में मैंने आपसे पूछा कि कितनी कीज़ होती हैं, 0 से 9 टोटल, कितनी मतलब 0 से 9 और बाकी भी होते हैं, तो टोटल 17 कीज़ होती है। तो आइए पढ़ते हैं आज हमारी फंक्शन कीज़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन कीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। देखिए, फंक्शन कीज़ टोटल है 12, F1 से लेकर कहाँ तक, F12 तक, कहाँ से लेकर, F1 से लेकर F12 तक ये टोटल होती है, ठीक है। पहली F1 होती है, क्या होती है, पहली काउंटिंग से ही चलेगी, नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, F1, ठीक है। मैं पहले लिख देती हूँ F2, F3, F4, फिर आ जाते हैं F5 की तरफ, F5, F6, F7, ठीक है, F8, F9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। ये सारी कीज़ हमारी टोटल हो गई, कितनी हो गई, ये हमारी कीज़ हो गई टोटल। चलिए इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ F1 की, देखो अब आ जाती है हमारी चीज़ें, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, मदद चाहिए होती है, या फिर मैं बोल दूँ कि सहायता चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, सहायता चाहिए होती है, तो मैं क्या लिख दूँगी, हेल्प के लिए। किसके लिए, हेल्प के लिए। अगर हम कोई भी काम इनिशियल कर रहे हैं, स्टार्टिंग से उस काम को कर रहे हैं, तो हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। F2 की बात करूँ तो नाम बदलने के लिए, क्या, नाम को बदलने के लिए, बदलने के लिए, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि रीनेम करने के लिए काम में ली जाती है। अब रीनेम किस किस चीज़ों का किया जाता है, अगर रीनेम की बात करूँ किस किस चीज़ों का किया जाता है, तो हमारा फाइल्स का,
फाइल्स का किया जाता है, फोल्डर्स का किया जाता है, इन सब चीज़ों का क्या किया जाता है, रीनेम किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा से किसकी तरफ चलते हैं, हम चलते हैं F3 की तरफ, है ना। F3 होगी, F3 किस लिए यहाँ लिख रही हूँ, F3 किस लिए इस्तेमाल की जाती है और F4 किस लिए इस्तेमाल की जाती है। देखो F3 हमारी सर्चिंग के लिए, किसके लिए, सर्च के लिए, कुछ भी चीज़ मुझे खोजनी है, क्या करनी है, खोजनी है। ठीक है, खोजनी है, खोज पड़ताल करनी है, खोजनी है, या फिर मैं बोल दूँ कि सर्च के लिए, ठीक है, कुछ भी फाइंड आउट करना है, तो सर्चिंग के लिए क्या F3 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं F4 की बात करूँ, ठीक है, F4 की मैं बात करूँ, तो या ये क्या करती है, क्लोजिंग ऑफ फंक्शन, हम बोल सकते हैं क्लोजिंग ऑफ विंडो। अब क्लोजिंग ऑफ विंडो कैसी, आप करंट में कोई भी काम कर रहे हैं, करंट में कोई भी आप काम कर रहे हैं, अभी आप काम कर रहे हैं, आपको क्या करना है, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे टैब्स वगैरह खुल जाते हैं ना, एक टैब को खोला आपने, ऑल्ट प्लस F4 दबाया, क्या दबाया, मैं आपसे क्या बोल रही हूँ कि आपने यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, ऑल्ट प्लस F4 आपने दबाया, तो इससे क्या होएगा, जो अभी करंट विंडो है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, यह आपका F4 का काम होता है। ठीक है, F5 से हम सब फैमिलियर होते हैं, क्या होते हैं, F5 से मैं दूसरी जगह लिख दूं क्या, इसी पेज पे लिखूं, दूसरी जगह लिख देती हूँ ना, चलो F5 चलते हैं। F5 क्या काम करती है, अगर मैं F5 की का बात करूं, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे F6 भी लिख देती हूँ, फिर मैं यहाँ पे F7 भी लिख देती हूँ। ठीक है, अब क्या होती है, F5 क्या काम करती है आपका, F5 सिंपल, हम जब छोटे थे, देखो छोटे से अपनी चीज़ को याद रखो, जब हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, हमारी सबसे ज़्यादा अगर हम लैब वगैरह में जाते थे तो हमारी फिंगर F5 पे जाती थी, क्या जाती थी, F5 की पे जाती थी, जो क्या कर देती थी, रिफ्रेश कर देती थी, क्या कर देती थी, सिस्टम को रिफ्रेश वो कर देती थी। ठीक है, F6 की बात करूँ मैं, क्यों F6 की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगी कि एड्रेस बार, क्या लिखा मैंने, एड्रेस बार, कि आपने तो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस बार लिख दिया, ये क्या मतलब होता है, एड्रेस बार में ले जाने के लिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं इंटरनेट पे, ठीक है, आप कोई भी इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं, उसको क्या करना है, आपने अपना कर्सर उठा के, आपने अपना कर्सर उठा के कहाँ, एड्रेस बार में लेकर आना है, तो आप F6 का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, F6 का इस्तेमाल आप करेंगे। F7 देखो क्या होता है, आप अगर वर्ड पे काम कर रहे हो, वर्ड का एग्जांपल दूंगी, तो क्या हो जाएगा कि आपसे क्या होगी, एक स्पेलिंग गलत हो गई, क्या होगी, स्पेलिंग गलत होगी, और नीचे क्या आ गई, एक रेड लाइन सी, ऐसी ऐसी वेवी सी लाइन आ गई, तो ये क्या दिखाती है, दर्शाती है कि आपका क्या है, जो आपने लिखा है वो गलत हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाती है, हम अगर मैं बात करूं तो ये स्पेलिंग एरर्स बताती है, स्पेलिंग एरर्स को बताती है या फिर दर्शाती है। ठीक है, इसके लिए ये काम में ली जाती है, अगर आप उस स्पेलिंग को सही कर दोगे तो क्या होगी, F7 की के ऊपर से रेड लाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी, क्या हो जाएगी, हट जाएगी, F7 की का ये इस्तेमाल होता है। ऑल दो आप राइट क्लिक करके, आप राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, आप अपने सजेशंस वगैरह दिखाने लग जाती है आपको, क्या सजेशन, अगर आपने राइट क्लिक करा इसी वर्ड के ऊपर, अगर कोई गलती है राइट क्लिक करा तो वो बहुत सारी स्पेलिंग आपको दिखाएगी, सजेशंस दिखाएगी, कहने का मतलब ये है कि आपको सजेशंस वगैरह दिखाने लग जाएगी, उससे आप अपनी स्पेलिंग जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। अदरवाइज F7 क्या काम करती है, F7 भी यही काम करती है स्पेलिंग एरर का। ठीक है, F8 क्या काम करती है, F8 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, F8 F9 F10 F11 है ना, बच गई हमारी F8 बच गई, F9 बच गई, F10 बज गई, F11 भी बज गई, है ना, और F12 एक आखिरी बज गई। देखो F8 क्या करती है, F8 का कुछ काम नहीं होता, ठीक है, अगर मैं बात करूँ F8 का कोई भी काम नहीं होता, F8 क्या काम करती है, आपको जो सिस्टम होता है, क्या होता है, जो आपका सिस्टम होता है ना, उसको क्या करती है, रीबूट कर देती है, हम बोल सकते हैं कि बूट करने के लिए, क्या करने के लिए, बूट करने के लिए, क्या बूट करने के लिए, या फिर मैं बोल दूँ कि बूटिंग करने के लिए, क्या बूटिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है F8 की। F8 की का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, अन्य कोई भी उसमें काम नहीं करवाया जाता, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, F8 का इस्तेमाल ही इसलिए करवाया जाता है कि आपका सिस्टम को बूट कर सके, जैसे कि आपने विंडो वगैरह डाली, ठीक है, जब आप विंडो वगैरह डालते तभी आप क्या करते हैं, F8 की को प्रेस करते, ऑल्दो आप F8 की को प्रेस ही नहीं करते। देखिए F9 और F10, देखो कहीं कहीं लिखा है बुक्स के अंदर कि ब्राइटनेस को अप डाउन करने के लिए, क्या ब्राइटनेस को अप या फिर डाउन करने के लिए क्या इन कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, हाँ किया जाता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि नहीं किया जाता, बट F9 और F10 का इस्तेमाल क्यों आखिर में किया जाता है, आपका F9 अगर मैं बात करूँ, F9 का इस्तेमाल एक्चुअल में किया किस लिए जाता है, सेम F6 की तरह, कि मतलब आपको क्या अपना एड्रेस बार में आना है, अपने कर्सर को इंटरनेट की दुनिया से लेते हुए आना है, ठीक है, कर्सर को कहाँ लेके आना, एड्रेस बार में छोड़ना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, F9 की का इस्तेमाल में लेंगे। F10 क्या होता है, मेन्यू को ओपन करने के लिए, क्या मेन्यू बार को ओपन करने के लिए, मेन्यू बार होता है ना, जो चीज़ें आपकी सारी की सारी लिखी हुई होती हैं उनको ओपन करने के लिए आप क्या दबाते हैं, F
F10 की का इस्तेमाल करते हैं। F11 देखो बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, क्या जूम करने के लिए। आप मूवी देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, आप मूवी देख रहे हैं और मूवी का साइज़ आपने क्या करना है, बड़ा कर देना है, ठीक है। लिखा भी आता है जब आप कोई चीज़ वगैरह डाउनलोड वगैरह करते हो तो लिखा आता है ऊपर कि प्रेस F11 टू फुल साइज़ या फिर फुल स्क्रीन, इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन भी मिलता है। तो क्या बोल सकते हैं, फुल स्क्रीन करने के लिए या फिर मैं कह सकती हूँ कि फुल साइज़ करने के लिए, क्या फुल साइज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल में लिया जाता है, राइट, ठीक है। अब F12 बज गई आपकी, क्या बज गई, F12 आपकी बज गई। F12 किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, आपने कोई भी काम करा, क्या करा आपने, कोई भी काम करा है ना, कोई भी काम करने के बाद आपने क्या किया, आपने क्या किया, F12 है ना, F12 क्या करती है, जो आपने कोई भी काम करा उसको सेव करने के लिए, क्या उसको सेव करने के लिए या फिर से हम बोल सकते हैं सेव एज करने के लिए, उन कामों को F12 की का इस्तेमाल किया जाता है। अब एकदम से पढ़ेंगे और एकदम से हमें समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन सी की क्या क्या काम करती है ना। चलिए देखो F1 की अगर मैंने बात करी, F1 क्या करती है, आपने कोई भी काम करा उसको क्या करने के लिए मदद मिलती है, आपको खोज पड़ताल करने के लिए, सहायता लेने के लिए, आप क्या हेल्प करने के लिए आपने क्या किया, F1 की का इस्तेमाल किया। उसके बाद क्या किया, आपने हेल्प ली और हेल्प लेने के बाद आपने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। मेरे से आपने हेल्प ली, मैंने आपको बताया अपने नाम से सारी चीज़ें आपको बताती गई, सेव करती गई, आपने क्या किया उन्हीं चीज़ों का नाम, हेल्प लेने के बाद उन्हीं चीज़ों का नाम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। F3 की तरफ चलते हैं, फिर आपने कुछ चीज़ें खोजी, क्या करी आपने, कुछ ना कुछ चीज़ें खोजी इंटरनेट के ऊपर, कुछ भी कहीं भी खोजा अपने सिस्टम में खोजा, उसके बाद F3 का इस्तेमाल हो गया। F4 का इस्तेमाल बोल सकते हैं कि क्लोजिंग ऑफ करंट विंडो, क्या जो आपकी विंडो ओपन हो रखी है उसको खोलने के लिए, वो क्लोज करने के लिए, क्या करने के लिए, क्लोज करने के लिए। F5 का इस्तेमाल अगर मैं बोलूँ तो रिफ्रेश करने के लिए, जब हम छोटे होते तो इसी की का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते थे, ठीक है, F5 का इस्तेमाल हम करते थे। F6 का बात करूँ तो एड्रेस बार में ले जाने के लिए अपने कर्सर को, किसको, कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए F6 का इस्तेमाल करते हैं। F7 की का अगर मैं बोलूँ तो स्पेलिंग वगैरह एरर्स वगैरह जो होते हैं उसको ठीक करने के लिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है। F8 की का इस्तेमाल किया जाता है रिबूट करने के लिए, जब आप वगैरह क्या करते हो, विंडो वगैरह इंस्टॉल करते हो, क्या करते हो, विंडो वगैरह अपने सिस्टम के अंदर क्या कर लेते हो, इंस्टॉल कर लेते हो, तब आप क्या करते हो, रिबूट या फिर बूटिंग वगैरह करते हो, है ना, बूटिंग वगैरह बोल सकते हैं हम इसको। F9 का इस्तेमाल बताया है ब्राइटनेस अप और डाउन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ किसके लिए, एड्रेस बार और मेन्यू बार में जाने के लिए भी इस्तेमाल में ली जाती है। दोनों ऑप्शन में आपको अगर ब्राइटनेस अप डाउन नहीं मिलेगा तो आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको मिलेगी, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ और, क्या लिख देती हूँ, और मैं लिख देती हूँ, ओके, समझ जाएंगे आप इससे। F10 की बात करूँ, F10 मैंने आपको बताया नहीं, अच्छा ये बताया, हाँ ठीक है ना, मेन्यू उधर लिख दिया मैंने, मेन्यू बार में जाने के लिए, है ना, और ब्राइटनेस को अप डाउन करने के लिए। अच्छा F11 का इस्तेमाल क्यों जाता है, फुल स्क्रीन करने के लिए, आपको अपने सिस्टम की क्या करनी है, फुल स्क्रीन करनी है, आपने मूवी देखनी है, फुल स्क्रीन पे आपने कर दी, उसके बाद क्या कर दिया आपने, सारे के सारे कामों को क्या कर दिया, सेव कर दिया, क्या कर दिया, सेव कर दिया आपने, उनको क्या बोल देंगे, सेव एज कर दिया, क्या हो गया, ये आपकी फंक्शन कीज हो गई F10। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, बताइएगा कमेंट में आपको कैसी लगी ये फंक्शन कीज, कैसी लगी आपको फंक्शन कीज, ठीक है। छोटी सी चीज़ थी समझाने के लिए तो वैसे, बट आपको क्या है, लिंक करके पढ़नी होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन्हीं की क्या ट्रिक्स बन जाती हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए क्या, अगली ट्रिक्स में मिलेंगे, अगली कोई और ट्रिक के ऊपर मिलेंगे, आप मुझे बता दीजिएगा कि इस चीज़ के ऊपर मैम ट्रिक बना दीजिए, तो उस चीज़ के ऊपर ट्रिक बना दी जाएगी, आप कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ट्रिक। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।